टॉक, बचाता, बॉलीवुड, क्लासिकल, टैप, जैज, बॉलरूम, बैले, डिस्को, भांगड़ा, जो भी है आपका फेवरेट डांस फॉर्म, सुपर डांसर का स्टेज है आपके लिए रेडी। सुपर डांसर ढूंढ रहे हैं ऐसे ही अमेजिंग लिटिल डांसर्स को जो बनेंगे डांस का कल। स्टेज रेडी है, क्या आप हैं? अगर आप में हो वो बात तो सोनी लिव पर रजिस्टर कीजिए और सुपर डांसर चैप्टर 4 के लिए अपना ऑडिशन दीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर डांसर चैप्टर 4 ऑडिशंस एंड रजिस्ट्रेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, हालांकि मैंने एक ही नहीं दो तीन वीडियो आपको बनाकर समझाया है कैसे आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, एक बार और बता दो, एक बार और समझा दो कि भाई कैसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है कि भाई कैसे आपको इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अभी रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं, तो जितने भी लोग डांसिंग में इंटरेस्ट हैं, जिनका डांस करना पसंद है जिनको, और जो लोग अपना करियर डांसिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को वो आखिरी तक देखें ताकि आप भी जान सके कि सुपर डांसर चैप्टर 4 के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है। चलिए गाइस मैं आपको बता दूं, ये एक पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो है सुपर डांसर। इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करके रखना होगा। अगर आपकी एज 4 साल से 13 साल के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जैसे आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको जो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ अगर आप 4 साल से 13 साल के बीच में रखते हैं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे ही आप सोनी लिव को डाउनलोड करते हैं, सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपके जैसे ओपन होता है तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, मतलब आप अपनी एज मेंशन कीजिए, तो आपको अपनी एज 18 साल से ऊपर रखनी है। जैसे ही आप अपनी एज 18 साल से ऊपर रखते हैं तब आपका जो एप्लीकेशन है खुल के आ जाता है। एप्लीकेशन खुलने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, मतलब जो आपका ऊपर एक स्लाइड शो कर रहा होगा, स्लाइड शो में आपको स्लाइड करना है, तो आपका जो सुपर डांसर चैप्टर 4 है उसका रजिस्ट्रेशन बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हैं वो आएंगे, कैसे कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप ये बात जान लीजिए, आप एक बात ये जान लीजिए, अगर आपकी एज 4 साल से लेकर 13 साल के बीच में है तभी आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। गाइस देश के हर एक शहर से आ रही है एंट्री डांस के छोटे कलाकारों की, और आपको किसका इंतजार है। 8500 प्लस से ज्यादा एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी है अभी तक, और आज ही अपना ऑडिशन क्लिप भेजिए क्योंकि ऑडिशन जल्द से जल्द समाप्त होने वाले हैं। तो सुपर डांसर चैप्टर 4 के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपकी एंट्रीज जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन के कुछ फ्यू स्टेप। सबसे पहले गाइस आपको करना है सोनी लिव ऐप को डाउनलोड। आप देख सकते हैं डाउनलोड और अपडेट द सोनी लिव एप्लीकेशन को। अपडेट करने के बाद आपको साइन अप करना है, क्लिक द सुपर डांस चैप्टर 4, उसके बाद रीड द एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, सभी टर्म्स और कंडीशंस को रीड कर लेना है। नाउ देन नेक्स्ट पे क्लिक करके बिगिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्ट्रेशन नाउ। ये दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन बटन, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाता है जिसके अंदर सिलेक्ट योर लैंग्वेज, कौन सी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसी के साथ आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है जिनके अंदर आपका फुल नेम, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ है। ये फटाफट फिल करने के बाद सिंपली आपको गाइज थोड़ा सा नीचे जाना है और स्पेसिफाई द नेम्स एंड पेरेंट्स लीगल गार्डियंस फॉर द पार्टिसिपेंट। इसमें अपने गार्डियन का नाम डालना है, यानी कि अपने पेरेंट्स का नाम डाल सकते हैं, आपके फादर का हो सकता है, मदर का हो सकता है, दादा दादी, अपने बड़े भाई का भी आप इसमें नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जिसका भी आपने नाम डाला है उसमें आपको मेंशन करना है कि भाई वो कौन है आपके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, वो इधर मेंशन करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको कंफर्म करना है प्रेफर द लोकेशन ऑफ ऑडिशन, आप कहां ऑडिशन देना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला था भाई लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो ऑडिशंस आपके इस बार ऑफलाइन होने वाले हैं। आपको ये भी मेंशन करना है कि अगर आपने कभी भी कहीं भी कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो यस बोलिए, नहीं किया तो नो बोलिए,
सिर्फ ये करके आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। बट थोड़ा सा आपको डिटेल भी देनी होगी कि भाई वो स्पेसिफाई जगह या आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो उसका आपको सिंपली नाम लिख देना है। ये लोग अपने आप बाद में कन्फर्म आपसे करा लेंगे। आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पे टिक कर देना है, यानी कि यस बोल देना है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग डांस की हुई है, कोई भी ट्रेनिंग ले रखी है, तो आप यस बोलिए, नहीं ले रखी तो नो बोलिए। सिंपली आपको ये यस नो का जवाब देके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने डांस की स्टाइल सिलेक्ट करनी है कि भाई कौन सा डांस आप पसंद करते हैं, कौन सा डांस आप परफॉर्म करने वाले हैं, वो जो भी डांस है आपको उस पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद टाइम आ जाता है रिकॉर्डिंग का। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का बटन आ चुका है। आपको सिंपली रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का रिकॉर्डिंग का बटन काम नहीं कर रहा तो वो रात में या फिर सुबह जल्दी उठ के फॉर्म को फिल करे तो डेफिनेटली फिल हो जाएगा। बट अभी कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपको सोनेली वेब को अपडेट करके रखना है, फोन के अंदर स्टोरेज होना चाहिए। अच्छे फोन से करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नजर आएगा। और भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपके रिकॉर्डिंग बटन ना आने की रीजन बन पा रहा है। तो अगर आप किसी दूसरे के फोन से करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आपके फोन से नहीं हो रहा बाय चांस, तो दूसरे के फोन ट्राई जरूर करके देखिए। तो रिकॉर्डिंग की क्लिप करते ही आपको दो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जैसे आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे चूज ऑप्शंस के दो ऑप्शंस आएंगे। ये फाइल का ऑप्शन है। अगर आपने पहले वीडियो बना के रख रखे तो आप फाइल पे क्लिक करके उस वीडियो को सिलेक्ट करके इधर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप अभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, कैमरे पे क्लिक करके आप सीधा रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो फाइल रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप दो वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं 90-90 सेकंड्स की ईच, यानी कि 180 की दो क्लिप होनी चाहिए। और आप अगर ये चीज करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपके डांस में वो बात है तो। और कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि भाई कैसे कैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो भी चलिए जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि भाई कैसे आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लिप्स को तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आप जब कैप्चर करते हैं वीडियो को तो आपका जो मूव्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्लियर सूट होना चाहिए, कैमरा एक जगह टिका हुआ होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए आपकी वीडियो, कभी आपकी टांग आ रही है, कभी आपका सर नहीं आ रहा, इस तरह से नहीं। आप ट्राइपॉड के हेल्प लेके पूरी की पूरी वीडियो स्टेबल होनी चाहिए, इस तरह की आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ये टिप्स है गाइस जो मैंने आपको दी। एक और टिप्स आपको देना चाहूंगा कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको वीडियो को लैंडस्केप मोड में ही रिकॉर्ड करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, भाई रिकॉर्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको अपने कैमरे की सेटिंग सही रखनी है। जैसे कहने का मतलब मेरा यह है, जब आप सोनेली ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या है, सभी ऑप्शंस को अलो कर देना है। जैसे कैमरा का ऑप्शन आएगा, आपको वो अलो कर लेना है। जितनी परमिशंस मांगता है ये ऐप, आपको सभी अलो कर लेना है। आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके फोन में मेमोरी स्पेस होना चाहिए। और जैसे आप डबल क्लिक करें अपलोडिंग पर, तो आपको जो रिकॉर्ड बटन है उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपको जो वीडियो का ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा। और एक बात और याद रखना गाइज, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, एक बार वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा वीडियो अपलोड करने का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बी केयरफुल, काफी आसानी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुल रह के आपको फॉर्म को फिल करना है, वीडियो को अच्छे से बनाना है और आपका सिलेक्शन काफी जल्दी होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा भाई कौन कौन से प्लेसेस पे आपके ऑडिशन हो सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है गाइज। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, ये तो सुपर डांसर चैप्टर 4 के लेकर है। वैसे बहुत सारी और भी शोज होते हैं, चाहे सिंगिंग शोज हो, डांसिंग शो, सबके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो यार ये चैनल आपके लिए, आपके करियर के लिए बनाया गया है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलता रहूंगा, बताता रहूंगा कुछ इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।